मंगलवार को गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आया है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि एनसीईआरटी की सिलेबस में डिजिटल इंडिया, नोटबंदी और गंगा अभियान को भी शामिल किया गया है, जो काफी अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस बात को पहले से भी इकोनॉमिक सर्वे में भी और भी कहा ही जा रहा है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। वह केवल यही कमीशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वे करने वाले इत्यादि ने भी इस बात को लिया है, और उनका ये कहना है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अन्य देशों के वो काफ़ी ठीक चल रही, प्रगत कर रही है। तो ये 7.5 की स्थिति भी रहेगी, उससे आगे भी जा सकते। सर, इस बार जो एनसीईआरटी की सिलेबस है उसमें स्वच्छ भारत मिशन, नोटबंदी, गंगा अभियान, डिजिटल इंडिया, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कितना? मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया के संदर्भ में तो हम लोग हर जगह जानकारी ही दे रहे हैं, और सभी लोगों को देना भी चाहिए। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से अगर इसको देने का काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी कि प्रारंभिक स्तर पर ही सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी, अंततः पूरे विश्व में डिजिटाइजेशन के आधार पर अपना वो होगा। तो डिजिटल इंडिया को अगर ले करके चलेंगे तो यह बेहतर स्थिति होगी। जहाँ तक गंगा की बात है तो गंगा भी पूरे भारत के आस्था के साथ जुड़ी हुई है, वह उसका संज्ञान कराया जाता है, उसका ज्ञान दिया जाता है, उसके माध्यम से ये है कि इसकी गंदगी ना हो, स्वच्छता प्रधानमंत्री के मिशन में है। तो ये स्वच्छता की स्थिति आएगी तो भी देश के लिए लाभप्रद होगा, देश के लोगों के लिए लाभप्रद स्थिति हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है, जिसको वो अगर एनसीईआरटी लाती है तो अच्छी बात है।